हाई एवरी वन, वेलकम टू ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, बैंकिंग एसोसिएट जेके बैंक का हमारा स्टडी प्लान चल रहा है 30 डेज का, जिसमें 6 डेज आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। टूडे इज डे 7। कल हम उन लोगों ने एक सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको 2 अरेंजमेंट्स कराए थे। आज हम लोग DI स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो वो आती है डाटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक में। तो 2 क्वेश्चंस आपके मैंने अरिथमेटिक के लिए हुए हैं, एक सेट मैंने आपका DI का लिया हुआ है, ठीक है। सो आज का जो सेट 1 है हमारा, ये रहेगा बार ग्राफ। स्टूडेंट्स, बार ग्राफ का जो क्वेश्चन है ये हमेशा मॉडरेट लेवल में माना जाता है, उसकी वजह मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आप आने वाले डेज में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कुछ आपको डायग्राम्स दिए जाते हैं अलग अलग तरीके के, और आपको उसमें से डेटा को कलेक्ट करना होता है, डेटा को समझना होता है। सो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें रहती क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। डेटा इंटरप्रिटेशन चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा यहाँ से क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, गलत निकलता है, फिर वापस आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मेक श्योर जितनी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लो, जितनी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लो, आप लोगों ने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को बड़े अच्छे से रीड करना है, ठीक है। समझते हैं द लाइन ग्राफ। तो ये बार ग्राफ में कौन सा ग्राफ है आपका, लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये दे रहा है टोटल पोस्ट। अब ये किसके बारे में दिया है, ये पोस्ट का ग्राफ है, और उसमें पोस्ट जो है टोटल वो फोटोज और वीडियोज में डिवाइडेड हैं, क्लियर। और कितने पर्सन का दे रखा है, 6 पर्सन का। अब हमें डेटा थोड़ा थोड़ा समझ आना स्टार्ट हो गया है। दीज आर द 6 पर्सन, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है उनकी, और ये मार्क क्या बता रहे हैं कि किसके केस में कितना उनको, किस किसने कितने कितने नंबर ऑफ पोस्ट किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चंस आपको इस तरह से आते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले बच्चों के मन में 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ये रहते हैं कि सर क्या पूरे डाटा को पहले लिख लेना चाहिए, फॉर एग्जांपल ए है यहाँ पे, बी है, सी है, डी है, ई एंड एफ है, तो क्या सर डेटा को नोट कर लें पहले पूरा, क्योंकि जब ये बार ग्राफ आपके सामने आएगा, इस तरह से लाइन ग्राफ आपके सामने आएगा, तो आपको डेटा को कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। जैसे मुझे बी का देखना, तो इस बार मैंने देखा, फिर अगले क्वेश्चन में यूज करना होगा तो फिर से देखेंगे, क्लियर। सो बार बार देखना ना पड़े, इसके लिए बेटर यही रहेगा आप लोग इसको एक बार जरूर लिख लें। पेन पेपर आपके पास होता है, छोटे छोटे कॉलम बनाइए जल्दी जल्दी से, जैसे मैंने बनाए जल्दी से नोट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ अपनी स्पेस रखने के लिए इसको साफ करते हैं, और मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, अब ए को समझना पड़ता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे 0 का मार्क है, देन 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब बच्चों को यही पता नहीं चलता, अब ये सेंटर वाली वैल्यू क्या लें। गाइज, आपने क्या करना है, रीडिंग कितनी है 0 से लेके 10 तक की, तो आपने एक इंटरवल का, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वैल्यू कवर कर रहा है एक इंटरवल का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से, तो आपने वो नोट करना पड़ता है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है पहले। कैसे करते हैं, देखो टोटल 0 से लेके 10 तक की रीडिंग है, टोटल लाइन्स देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट वाली है 6, तो मतलब 5 पोर्शंस में ये डिवाइड है। अगर 5 पोर्शन में ये डिवाइड है, 10 को बराबर 5 पोर्शंस में काटेंगे तो कितना आएगा पर हेड, 2। तो इसका मतलब इस पूरे ग्राफ के अंदर हमारी जो एक यूनिट की वैल्यू, एक इस डिब्बे की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 यूनिट। ये इस चीज़ से आप समझ सकते हो, आप देखना ये कितना आसान हो जाएगा। अगर ये आप नहीं पकड़ पाए तो पूरा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, बात को समझ लेना। कई क्वेश्चंस में डब्बे बनेंगे 4, कितने बनेंगे 4, और टोटल अगर 10 का गैप है तो आपका एक सेक्टर उस हिसाब से कितना बनेगा, 2.5। ये चीज़ें फोकस करने वाली होती हैं। अगर ये नहीं आता, जितना मर्जी आप क्वेश्चन पढ़ के बार बार सॉल्व करते रहो, नहीं सॉल्व होगा। तो राइट अप्रोच, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आपको चीज़ों को सीखते जाना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, बट बिफोर हमें करना क्या है, डाटा को नोट करना है। सो ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। अब देखो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये तो बराबर 50 के सामने है, तो बिल्कुल हमने उतार दिया 50, तो नोट करना है। यस, आपको डेटा नोट करना है ताकि बार बार उसमें वापस ना जाना पड़े। यस, अगर टेबुलर DI है, टेबल की फॉर्म में है, तो नहीं देखना है, क्योंकि वो सामने दिखता है, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। बट बार ग्राफ हो तो ज़रूर आपने नोट करना है, लाइन ग्राफ के केस में भी, ठीक है। बी का देखो, ये 30 है, 30 से एक नीचे वाली है, तो एक में 2 का गैप है, 30 से नीचे की तरफ है, तो 2 कम करेंगे कितना बनेगा, 28।
सिमिलरली सी है आपका, दिस इज 30, 30 से एक ऊपर, तो एक में दो की वैल्यू है 32 बनेगा। सिमिलरली डी आपका पूरा 40 के ऊपर है तो 40 लेंगे। देन ई, ई में आपका बन गया 40, 42 एंड 44। सिमिलरली एफ का आ गया आपका 40 से दो कम 38। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ, प्रैक्टिस की होगी आपको, चीज़ें आती होंगी, तो आप यहाँ तक की कहानी जो मैंने अभी तक नोट करके लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड लगते हैं इसमें, ठीक है। जब हम लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराएंगे लास्ट की वीडियोस में, तब मैं करके भी आपको बताऊंगा, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना होता है, उसकी वजह यह है यहाँ पे पोस्ट दी है और पोस्ट को दो चीज़ों में डिवाइड करा गया है। ऐसा ना हो कि हम लोगों को दिया हो यहाँ पे फोटोज और मैं हम लोग सीधी ये वैल्यू उठाई मार्क कर दिया, बिल्कुल नहीं। ध्यान से आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़िए, द टोटल कॉस्ट शेयर्ड बाय सी, टोटल पोस्ट सॉरी, सो पोस्ट है तो मतलब टोटल पोस्ट ही हमें दी गई है, 32 की बात 32 की बात कर रहा है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय डी, टोटल पोस्ट डी की 40 परसेंटेज में। आप लोग इतने फाइटर होने चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन इतना अच्छा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप ओरली निकाल दो, बट स्टिल हमें क्या निकालना है यहाँ पे, परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकलता है, सबको पता है ऊपर वैल्यू आती है जितने का डिक्रीज हो, तो कितने का डिक्रीज है, 40 में से कितना कम है, 8, किस में से कम है, 40 में से, तो 40 को लेंगे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 100, ठीक है, 8 1 8 8 5, बाकी ये कैलकुलेशन है, आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका रहेगा 20%। बताने का मुद्दा ये है, करने को ये क्वेश्चन जो है हम लोग ओरली भी कर सकते थे बिना पेन पेपर के। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा सी, मैंने देखना था सी में 32 है, डी में है 40, अच्छा परसेंटेज डिक्रीज में पूछा है, 8 8 के नीचे आएगा 40, 8 एक से काटा, 5 से काटा, 1/5, परसेंटेज 100 में से निकलती है, 5 को डिवाइड करा 20, आंसर खत्म। और बच्चे करते हैं, बड़े सारे बच्चे ऐसे कर लेते हैं। आप लोग अगर स्टार्टिंग स्टेज में हैं तो इस तरह से प्रोसेस आपने फॉलो करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करना है, क्योंकि डाटा हमने लिखा होगा ऑलरेडी, तो मैं बार बार इसी स्क्रीन से इसको यूज़ कर लूँगा, बार बार नहीं लिखूँगा, ठीक है। इन जनवरी 2020 द टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय बी एंड एफ। अब यहाँ पे देखो, ये जनवरी 2020 है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी दिस इज वाज ऑफ दिसंबर, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपने दिसंबर नहीं पढ़ा होगा ना पहले, तो आप जितना मर्जी इस क्वेश्चन में घूमते रहो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली 20 मिनट का टोटल टाइम है, पेपर में अगर 15 सेकंड भी आपके खराब होते हैं ना, तो वो पूरे पेपर को ख़राब कर देता है, इतनी उसमें काबिलियत होती है, हमने खुद फील करा हुआ है, हम इस फेज से निकल चुके हैं, क्लियर। यस, इन जनवरी 2020 द टोटल पोस्ट, अब पोस्ट की बात हो रही कोई दिक्कत नहीं है, बाय बी एंड एफ इज 12 एंड 15 मोर देन द प्रीवियस मंथ रिस्पेक्टिवली। तो मतलब जनवरी में बी के जो प्रीवियस मंथ से 12 ज़्यादा हैं और एफ के 15 ज़्यादा हैं, तो मुझे पता होना चाहिए बी के कितने थे पहले, बी के पहले थे 28 और एफ के कितने थे 38। ओके, सो बी के थे 28, एफ के थे 38, क्लियर। सो अब आपको क्या पूछा है उसने, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट शेयर्ड बाय बी एंड एफ इन जनवरी, जनवरी 2020 का टोटल निकालना है, तो बी में आपको कितने ऐड करने हैं 12 और एफ में कितने ऐड करने हैं 15, क्लियर। तो ऐड करके इन सबको ऐड करना है लास्ट में, इंडिविजुअली नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 8 8 16 16 2 18 18 5 23। चेक करने की जरूरत नहीं है बार बार आंसर क्या बनेगा, यूनिट डिजिट से भी आंसर मार्क हो जाते हैं, अगर एक ही ऑप्शन में लास्ट डिजिट आपका 3 है तो आंसर मार्क करिए, खत्म। दिस इज द राइट अप्रोच टू सॉल्व प्री लेवल क्वेश्चंस, और प्री लेवल क्वेश्चंस में आपको इस तरह की अप्रोच लगानी पड़ती है, क्लियर। सो ये चीज़ें हैं, ये भी आपको मैं सिखाऊंगा, जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो एक एक चीज़ बताऊंगा कि कहाँ से कैसे टाइम सेव होता है, और 0.30 सेकेंड या फिर 0.36 सेकेंड्स में हम लोग कैसे क्वेश्चन को 36 सेकेंड में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्लियर। आई होप अच्छा लग रहा होगा सेशन। बट स्टूडेंट्स एक आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलिव बोर्ड का क्रैश कोर्स, जिसके बारे में आपको सर ने बताया भी था, सुमित सर ने, कि 1200 में आपको वो अवेलेबल रहेगा, हर एक चीज़ आपको उसमें मिलेगी। जिन बच्चों ने पहले से नहीं प्रिपेयर करा है, एट लास्ट टाइम पे आके क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर उसको ज्वाइन करें, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज हर एक चीज़ आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट। देखो मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, मैंने कल की पजल में भी बताया था, सिटिंग अरेंजमेंट में बताया था, देर आर सम कीवर्ड्स जिनके ऊपर आपको फोकस करना होता है, तभी आप चीज़ों को इजीली और आसानी से बिना फ्रस्ट्रेट हुए थोड़े टाइम में सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे फोकस हमेशा करता हूँ, कई बच्चे होंगे आप में से जो सिर्फ इस पे फोकस करेंगे ए सी एंड एफ, लेकिन अगर यहीं पर गलती वो फोटोज दे देता तो बात खत्म हो जाती, फिर फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है।
ओके सो पोस्ट है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी एंड एफ, तो ए सी और एफ की हमें क्या निकालनी है, एवरेज। तो देखो क्या मैं ए सी और एफ इन तीनों को ऐड करके एवरेज के लिए 3 से डिवाइड करना है ना, तो मैं इसको ओरली ऐड कर सकते हैं। 50 में 30 किए 80, 80 में 2 किए 82, 82 में 8 ऐड करें तो बन गए 90, 90 में 30 करें तो बन गए 120। बात को समझना, गहराई को समझना कि क्या इसको पूरा लिख के ऐड करने की जरूरत है, नहीं है। टोटल कितना बना, 120, 3 से डिवाइड करा एवरेज आ गई 40। अब खुद सोचिए स्टूडेंट्स, अगर डेटा आपका लिखा हो, सामने आपको दिख रहा हो, है ना, क्या क्या ऐड करना था, लेट मी चेक। 50, 32 एंड 38। कोई बात नहीं, अगर बीच में कोई वैल्यू लिखी भी है आपको दिख रहा है, इन तीनों को ऐड करना है। ओरली ऐड कर सकते हैं, 8 और 2 10, 5 3 8 3 11 और 1 12, 120 बटे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 वैल्यूज हैं, 40 आंसर खत्म। यस स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है आपको लगेगा इजी लेवल का है, क्योंकि अब आपको अच्छा खासा आ जाता है। और ये क्वेश्चन आपका IBPS क्लर्क 5th ऑफ डिसम्बर को पूछा गया था। मैं वही क्वेश्चन लाया करूंगा जो लेवल आपको पेपर में आना है, इससे बड़ा ज़्यादा हाई लेवल होता है DI का, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपको एग्जाम में अभी के लिए आना है वही कराएंगे पहले, क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल फोटोज। अब बात यहां पे आके रुक गई, अब यहां पे किसकी बात हो रही है, फोटोज की। हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं दैट वाज ऑफ पोस्ट, तो देखते हैं। टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय ई इज 4 मोर देन द टोटल वीडियोज शेयर्ड बाय हिम। तो मतलब पोस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है वो, है ना, दिया है फोटोज एंड वीडियोज। वो कह रहा है जो फोटोज हैं वो 4 ज्यादा हैं, फोटोज प्लस 4 हैं, अगर ये x है तो ये x प्लस 4 है। आपने x ऐसे नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड टोटल वीडियोज शेयर्ड बाय ई। तो हमें बताना है वीडियोज कितनी शेयर करी होंगी। इस चीज को बच्चे दिमाग में क्लिक होते होते बेटा टाइम लग जाता है कई बार पेपर में, जिन्होंने पहले पेपर दे रखे हैं उनको पता है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे दे देता हूं, जब भी कभी ये बताना पड़े कि 100 रुपया इसी हिसाब से डिवाइड करो कि एक बंदे को 15 रुपये ज़्यादा आएँ जब 20 रुपये ज़्यादा आएँ, तो आपने कैसे करना होता है। अब यहाँ देखो, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ई के पास है कितने, तो ई के कॉरस्पॉन्डिंग 44 वैल्यू है, ठीक है। ए के पास 4 ज़्यादा करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है, बाहर निकाल दे। क्यों, क्योंकि जो बचा हुआ हिस्सा है वो मैं सिंपली दोनों में बराबर बांटूंगा, और जिसके पास ज़्यादा होंगे उसको क्या करूँगा, 4 एक्स्ट्रा दे दूंगा, बात खत्म। ये तरीका रहता है, जितना एक्स्ट्रा है उसको पहले बाहर निकाल दो, क्योंकि वो तो हमें एक आध पर्सन को बांटना है, और बचे हुए पैसे को दोनों में बांटना है ना, दोनों में बांटना है उसको। तो 40 बचा है, 4 निकाल के 20-20 दिया। पूछा किसका है, वीडियोस, वीडियोस में कम वाला है, क्योंकि वीडियोस कम है तो वैल्यू क्या रहेगी आपकी, एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 20 आंसर 20 खत्म। ये क्वेश्चन ओरली हो सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए, एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी चाहिए विद हार्डवर्क एज वेल। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लग रहा है गाइस, शेयर करिएगा हर उस नीडफुल स्टूडेंट के साथ जिसको इसकी इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेस्ड है रेशियो के ऊपर। स्टूडेंट्स, मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपको बैंक एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो आपको परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन इतने आपके हैंड जो है फास्ट चलने चाहिए कि हाथ पीछे रह जाए दिमाग आगे निकल जाए, इतना तेज आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए। मैं देखो ये क्वेश्चन कैसे करूंगा अगर मुझे पेपर में आता तो। इफ द रेशियो ऑफ टोटल फोटोज टू टोटल वीडियोज शेयर्ड बाय बी इज 5:9। फोटोज और वीडियोज मतलब ब्रेक कर रहा है पोस्ट को, है ना, बी के 5 और 9 में फाइंड द टोटल पोस्ट शेयर्ड बाय बी। रेशियो का एक सिंपल कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्या आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के, फोटोज के बारे में पूछा है, फोटोज के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है आपकी, 5। तो मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा दैट मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 5। ये कौन कहता है, रेशियो का कॉन्सेप्ट कहता है। ऑप्शन में नजर दौड़ाइए, कोई ऑप्शन है जो 5 से डिवाइड हो जाता है, ओनली 10 इज देयर। तो आंसर इसका 10 ही होना है, और कोई ऑप्शन इसका, क्योंकि 5 का मल्टीपल ये हमें कौन सिखाता है, रेशियो का कॉन्सेप्ट सिखाता है। सो इस तरह से चीजों को जब आप सोचना स्टार्ट करते हो तभी आपका जो है 20 मिनट्स में 35 मार्क्स आप ना सिर्फ अटेम्प्ट करके आते हो बट सक्सेसफुली 35 में से 35 लाते भी हो, और ये आपको बड़ी जल्दी प्रूफ भी मिल जाएगा ली हुए बच्चों ने, ठीक है। सो अभी के लिए तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन आपसे नहीं करूँगा, वो बाद में जब सुमित सर कहेंगे तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट तब के लिए आप चीज़ों को समझिए कि कैसे आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं। बट इसको फिर भी कर लेते हैं कैसे होना था ये। तो 5 और 9 की रेशियो में डिवाइडेड हैं, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 28। तो इनको जब मैं डिवाइड करूंगा टोटल बनेगा 14, 14 का मतलब बनेगा 28, 1 का मतलब 2, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा है तो 5 × 2 यानी कि 10। सो स्टूडेंट्स,
मैं कह रहा हूँ आपको बार बार प्रीलिम्स लेवल में बिना पेन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट टाइम जब हमारा जेके बैंक क्लर्क का जो 2018 में पेपर हुआ था, उसमें मैंने 18 मिनट में मैथ अटेम्प्ट करके 2 मिनट फ्री बैठा था। सिमिलरली रीजनिंग में भी 2 मिनट और इंग्लिश का तो काफ़ी ईजी आया था, 4 मिनट के लिए फ्री बैठा था, ठीक है। लेकिन कब कर पाओगे? जब इस तरह की आपकी थिंकिंग होगी। और ये डेवलप कैसे होगी? ये आपकी प्रैक्टिस से डेवलप होगी, जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप बैठ के बनाओगे और एक क्वेश्चन को 4 बार बनाओगे तो ये आपकी हैबिट डेवलप होगी, ठीक है। सो यस, यही थे आपके आज के क्वेश्चन। ये टाइम एंड वर्क का बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग इसको खुद ट्राई करें, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चा ये क्वेश्चन करेगा उसकी मैं 200% गारंटी लेता हूँ। अरिथमेटिक का जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कोई भी जो भी पेपर में आएगा वो आराम से कर ले जाएगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन में चाहे 5 मिनट लो चाहे 1 मिनट लो, बट आप इसको सॉल्व ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी अप्रोच बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। और ये क्वेश्चन मेरा आपको बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन है जो आपका पूरा का पूरा टेस्ट कर लेता है कि टाइम एंड वर्क आपने कैसे सीखा है और कितने अच्छे से सीखा है। सिमिलरली एक क्वेश्चन आपका ये है, तो मैं चाहता हूँ इसका मैं आपको बता देता हूँ सोल्यूशन, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, क्लियर। क्वेश्चन आपका टीम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, जिसमें आपकी प्रॉब्लम ट्रेन्स की है। छोटी सी बात, टोटल डिस्टेंस, जब कोई भी चीज़ कोई ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है या किसी और ट्रेन को, टोटल डिस्टेंस आपका बनता है, दोनों की लेंथ को ऐड कर लिया जाता है। आपको पता है ये छोटी छोटी चीज़ें, है ना। अब और बात करें स्पीड की, अगर तो इधर दोनों अपोजिट साइड से आ रही हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है? नेट ऐड। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो नेट स्पीड आपकी होती है सबट्रैक्ट। ये कॉन्सेप्ट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सबको पता है। अब इस क्वेश्चन को देखो पेपर में कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आपको लगता होगा कि यार 30 सेकंड में 15 सेकंड में अरिथमेटिक का क्वेश्चन तो पढ़ने में लग जाते हैं भाई, 15 सेकंड 20 सेकंड तो पढ़ने में लगते हैं, सॉल्व कैसे होगा? देखो पढ़ने का वे देखो, ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आर क्रॉसिस ट्रेन बी इन 20 सेकंड। दिमाग में चीज़ें स्ट्राइक होनी चाहिए, यार यहाँ तो यूनिट्स किलोमीटर पर आर है, यहाँ तो सेकंड्स में, मतलब कन्वर्जेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। आंसर आपके किलोमीटर पर आर में है, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जिसमें ज़्यादा यूनिट्स दे रखे हों उसमें कन्वर्जन लेके चलो, ठीक है। 20 सेकंड्स हैं, ए और बी, सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी 600 मीटर और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो मतलब स्पीड दोनों की नेट ऐड होगी। सारी चीज़ें मीटर और सेकंड्स में, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करते हैं किलोमीटर पर आर को बताने की जरूरत नहीं है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, बनेगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो बच्चा जल्दबाजी में इसको कन्वर्ट करना भूल गया, ख़त्म, एक तो एक मिनट अपना बेकार करेगा, ऊपर से फ्रस्ट्रेशन लेके आ जाएगा पेपर में, ठीक है। तो चीज़ों को इसी हिसाब से लेके चलिए, जैसे मैंने कल बताया था कि दो अरेंजमेंट्स आपने प्री के लेवल में पजल में लेने ही लेने हैं, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। यस, तो चलते हैं। 10 टोटल डिस्टेंस, दोनों का सम दे रखा है 600, स्पीड एक की 10 दूसरे की पूछी है, एक्स मान लेते हैं। टाइम कितना लगा? 200। कॉन्सेप्ट क्या लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। कर सकते हैं आराम से, 600 मीटर आ गया 20 सेकंड्स और इसकी स्पीड आ गई आपकी 10 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कर सकते हैं 600 इज इक्वल टू 200 प्लस 20x। तो ये कुछ बच्चे तो इसको ओरली भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सॉल्व करके मैं बता देता हूँ आपको। सब्ट्रैक्ट करेंगे 400 बनेगा 20x, x की वैल्यू बनेगी आपकी 20, बट ये जो यूनिट्स आएंगे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब आंसर्स आपके किस में है? किलोमीटर पर आर में। तो अब कुछ जो अच्छे लेवल आपने जब प्रैक्टिस करा होगा ना, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, सबको पता है 20 का क्या बनता है, बट बनाने का तरीका 18/5 उल्टा करते हैं, 5 × 5 4 से कटे 18 × 4 = 72, तो आपका आंसर बनेगा 72 किलोमीटर पर आर। इस क्वेश्चन का समझाने में हो सकता है टाइम लग गया, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, अगर अच्छे लेवल पर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन 40 सेकेंड से लेता, ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं वो ये चीज़ भी ओरली कर लेते हैं, कैसे करते हैं? देखो वो सीधा सोचते हैं, अच्छा 20 है, 20 से ये कट सकता है, 30 से कटा, ठीक है, 30 यहाँ जाएगा, 30 में से 10 माइनस होंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20, 20 को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आर में, ओरली करते हैं 18/5, 5 × 4 से कटेगा 72, आंसर ख़त्म। सो इस तरह की अगर आप अप्रोच लगाते हो तो डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्ज़ाम, ये मेरी गारंटी है आपसे। फिर आज ये कोट हमारा डेली हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमें मेहनत तो करनी है लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ, और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको वही बंदा दे सकता है, वही प्रोवाइड कर सकता है जो उस फेज से निकल चुका हो या उस फेज से निकल रहा हो। आई होप यू वुड हैव लाइक द सेशन वेरी मच, और जितना हो सके सेशन को शेयर करिएगा। और अगर कोई बच्चा जिसको लगता है कि मुझे इस टाइम
प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, मुझे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं डिटेल में, तो ओनली बोर्ड का आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सुमित सर ने बताया भी था वैसे आपको, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसका लिंक क्लिक करके 1200 में हर एक चीज़ आपको, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एवरीथिंग आप वहाँ से ले सकते हो. क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड विद स्मार्ट स्ट्रेटजी.